तो विद्यार्थी मित्रों, हम मुखरियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने देखा पहेलियां। मुक्तक के रूप में देखा जाए तो मुक्तक का मतलब होता है मोती। मोती यानी कि पर्ल, आप लोग जानते हैं। देखने में छोटा है लेकिन वह अमूल्य है, जिसकी कीमत आंकी न जाए, इतना मूल्यवान है। उसी प्रकार साहित्य में मुक्तक नाम उसे दिया गया है जो छोटी काव्य का छोटा प्रकार, छोटा प्रकार काव्य का, इतना छोटा फिर भी अनेक कुछ कहने की, बड़ी बड़ी घटनाएं कहने की ताकत रखता है, और बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की ताकत है, इसीलिए उसे मुक्तक कहा गया। मुक्तक यानी कि मोती। मोती जितना ही कीमती, कुछ कम शब्दों में बहुत सारा कुछ कह देना, उसका मतलब ये होता है। तो बच्चों, हम मुखरियों की ओर आगे देख रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी को किस प्रकार बात कहती है, कंफ्यूज करती है, फिर वही जवाब देकर उसे अचंभ में वो रख देती है कि अरे बाप रे, मैं तो कुछ सोच कुछ रही थी और जवाब कुछ और है। यह बात एक सहेली दूसरी सहेली से बात कर रही है, वह बात मैं बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप ठीक से ध्यानपूर्वक सुने कि जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन को तपन बुझावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, मन का भारी तन का छोटा। ए सखी साजन, दूसरी सखी पूछती है उसे, जब पहली सखी उसे सुना रही है तो दूसरी सखी उसे पूछ रही है कि साजन की बात कर रही हो। तो पहली सखी कहती है, ना सखी लोटा। तो उत्तर किसकी बात है कि लोटा, मैं लोटे की बात कर रही थी। तो कह रही है पहली सखी कि जब मांगू तब जल भरी लावे, जिसमें वो जल भरने की ताकत है। साधन छोटा है लेकिन जल ज्यादा समा सकता है, और मेरे मन की तपन यानी कि मन की प्यास बुझा देता है। तो मेरे मन का जो वो देखा जाए तो मन उसका भारी है, शरीर बहुत छोटा है लेकिन मन बहुत बड़ा है। कहने का मतलब ये है, लोटे में लोटा दिखाई देता है छोटा, लेकिन पानी उसमें थोड़ा ज्यादा आता है। तो प्यास जब लगती है तो लोटे में पानी भर कर लाते हैं हम और अपनी प्यास बुझाते हैं। तो दूसरी सखी अचंभ में पड़ जाती है, चकित रह जाती है, तू किसकी बात कर रही है, तेरे साजन की तो बात नहीं कर रही। तो पहली सखी उत्तर देती है, मैं साजन की बात नहीं कर रही, मैं लोटे की बात कर रही, जिससे लोटे में पानी भरा जाता है, पानी भरकर लाते हैं, हम पीते हैं और अपने मन की प्यास को बुझा सकते हैं। तो यह लोटे की बात कही है, बहुत बढ़िया तरीके से ज्ञान परोसा है। देखो, हम सोच कुछ और रहे थे और जवाब कुछ और आता है। तो दूसरी बार यहाँ दूसरा सवाल करती है सखी, कहती है वो आवे तो शादी हो, वो आवे तो शादी होई, उस बिना दूजा और न कोई, उसके सिवा कोई और नहीं, बस वो आएगा तो शादी हो। कौन आएगा? वो। इशारा किसकी तरफ किया है? देखो, वह आएगा तो शादी होगी और उसके बगैर दूसरा ना कोई, दूसरे सिवा दूसरा मुझे कुछ भाता ही नहीं, उसके सिवा मुझे उसके सिवा और कोई भाता ही नहीं। तो मीठे लागे वाके बोर। तो कहती है पहली सखी, वो आएगा तो शादी होगी, उसके बगैर मैं शादी नहीं करूंगी, उसके बगैर मजा भी नहीं आता मुझे, और उसके मीठे शब्द मुझे बहुत भाते हैं, उसके बोल मीठे हैं, उसके वचन मीठे हैं, मुझे अति प्यारे हैं, बहुत ही मीठे बोल हैं उनके, बहुत ही मुझे भाते हैं। तो ए सखी, दूसरी सखी कहती है, अरे सखी तू किसकी बात कर रही है, ए सखी तू साजन की बात कर रही है, तू साजन की बात कर रही है। तो दूसरी पहली सखी कहती है, ना सखी ढोल। तो उत्तर क्या है? ढोल। ढोल के बगैर शादी नहीं होती और उसके बगैर मन भी नहीं लगता, सखी का मन नहीं लगता ढोल के बगैर शादी कैसी, हाँ
मैं तो जैसे लगे कि ढोल के बगैर, तो कहती है कि उसके बगैर मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। वो आएगा तो ढोल नगाड़ा बजेंगे, संगीत जलसा होगा, तो नाचेंगे झूमेंगे लोग, कितना सुहाना, कितने सुंदर वो उसके वो ढोल बजता है तो कितना सुंदर लगता है, वातावरण संगीतमय बन जाता है, कितना सुंदर लगता है। तो सखी, मैं ढोल की बात कर रही थी, साजन की बात नहीं कर रही थी। अभी भी इस पहली सखी के वचन से हमें ऐसा ही लगता है कि वो सचमुच उसके पति की बात कर रही हो, लेकिन नहीं, वो ढोल की नगारे की बात कर रही थी, संगीत की बात कर रही थी। तो यहाँ देखो, पहले में भी हमें कंफ्यूज किया, दूसरे में भी, तो सोचते कुछ और है और जवाब कुछ और मिलता है। तो पहली सखी के रूप में यहाँ सवाल किया गया, उसी सखी के रूप में जवाब भी मिला है हमें। तो ज्ञान ये है, हमें कंफ्यूज कर दे लेकिन सही, जो हम सोचते कुछ और है और जवाब मिलता कुछ और है। तो तीसरा मुक्तक है, यहाँ देखो, अति सुरंग है रंग रंगीले, अति सुंदर है रंग रंगीला है, वो बहुत ही सुंदर है और रंग भी उतना ही सुंदर है, गुणवंत बहुत चटकीला। और कहती है पहली सखी, गुणवान है और चटकीला बहुत ही मधुर है, चटकीला भी बहुत ही मधुर है, गुणवान भी है, बहुत सुंदर है उसका रंग, राम भजन किए बिना कभी न सोता। और कहती है पहली सखी कि राम भजन किए बगैर वो सोता नहीं है। तो दूसरी सखी कंफ्यूज होकर पूछती है, ए सखी, तू फिर से साजन की बात कर रही है? तो दूसरी सखी कहती है, ना सखी, तोता, मैं तो तोते की बात कर रही थी। तो उत्तर क्या होगा? तोता। देखो, तोते का रंग गाढ़ा मस्त, बहुत ही बढ़िया हरा हरा रंग होता है और वो मीठा मीठा बोल सकता है, मधुर वचन उसके होते हैं, अलग अलग प्रकार की वाणी में बात कर सकता है, जैसे सिखाया होगा वैसे ही जवाब देगा वो, इसीलिए उसे गुणवान कहा गया, इसीलिए उसे क्या कहा गया? गुणवान। और राम भजन किए बगैर, रात को जैसे आप लोगों ने सिखाया था वैसे ही राम भजन किए बगैर वो सोता नहीं है। तो तोता यही है, तोते की बात कही गई है, तोता ये करता है। तो बच्चों, यहाँ उत्तर तोता है। तो पहली सखी के द्वारा जो सवाल किए गए और जवाब भी वही देती है, तो पूछने पर भी वही जवाब मिलता है जो सही है, तो हमें कंफ्यूज करने वाला जवाब होता है। तो बच्चों, यहाँ मुक्तक भी खत्म हो गए, कुछ यहाँ हंसी मजाक के साथ साथ, हंसी मजाक के साथ साथ हमें कुछ थोड़ा बहुत ही बढ़िया ज्ञान परोसने की कोशिश की है। अमीर खुसरो ये हमारे देश के कवि नहीं थे, राजाओं के समय में राज दरबार में गाया करते थे और बहुत ही बढ़िया कवि के रूप में उसे पहचाना गया, कविताएं लिखा करते थे और सैनिकों में जोश भरा करते थे उस जमाने के वह कवि। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में भी रहे, काफी समय रहे, जब तक रहे बहुत ही बढ़िया उन्होंने नाम कमाया और बहुत ही बढ़िया लेख लिखे, काफी राजाओं ने उन्हें इनाम दिया और एक साहित्यकार के रूप में उसे आज हम पहचानते हैं। तो उन्होंने बहुत ढेर सारा ज्ञान देने की कोशिश की है। तो बच्चों, हम सीधे एक एक वाक्य के प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं कि तला शब्द के दो अर्थ बताएं। मैंने पहले ही मुक्तक में पहलियों में बताया कि तला यानी कि एक जूते का नीचे का हिस्सा, और दूसरा जो तेल जो है उसे गर्म किया जाता है कुछ अनाज वगैरह तलने के, ठीक है, या गर्म पानी में भी, गर्म पानी भी किया जाता है कुछ करने के लिए। तो जो चीज उस गर्म पानी या गर्म तेल में डाली जाती है उसे तला कहा जाता है, तलना कहा जाता है। तो दूसरा है प्रश्न है, वजीर में दाने नहीं थे, क्या अर्थ क्या है उसका? वजीर में दाने नहीं थे, कहने का मतलब था दानेदार मतलब बुद्धिमान, दानेदार मतलब बुद्धिमान, वजीर बुद्धिमान नहीं था इसीलिए उसे रखा नहीं गया था, ठीक है। फिर ढोल और साजन में क्या समानता? ढोल और साजन, ढोल साजन आएंगे तो शादी होगी,
ढोल बजेगा तो शादी में बहुत ही बढ़िया मजा आएगा, उसके बगैर शादी कुछ भी नहीं और साजन के बगैर भी शादी कुछ नहीं। इसीलिए दोनों में समानता ये है, ढोल बगैर शादी नहीं और शादी साजन बगैर शादी नहीं। तो ये बात थी, राम भजन बिन कौन नहीं सोता, राम भजन किए बगैर तोता नहीं सोता। तो बच्चों विस्तार दो तीन वाक्य में उत्तर है कि नौ फेरने पर रोटी घोड़े और पान की क्या हालत होती है। तो देखो बच्चों, नौ फेरने पर रोटी अगर एक ही साइड पर रखी जाएगी, तवे पर या तो फिर आग पर या तो फिर अंगारे पर, तो किसी भी एक हिस्से को एक ही साइड पर रखा जाएगा तो वो तप कर यानी कि जल जाएगा, इसीलिए उसे फेरने की जरूरत है। घोड़ा अगर एक ही जगह पर अड़ा रहेगा, एक ही जगह पर बैठे रहेगा या एक ही जगह पर बंधा रहेगा, उसे फिराया नहीं जाएगा, उसे ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, उसे दौड़ाया नहीं जाएगा, तो वह समय आने पर वह काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसे फेरना जरूरी है, घुमाना जरूरी है। पत्ता अगर एक ही जगह पर है तो वो सड़ जाएगा और उसे पलटाया जाएगा तो हो सकता है वो सही सलामत रहे या जो आप आकार देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो बच्चों एक ही जगह पर कोई भी चीज काफी समय तक पड़ी रहेगी तो हो सकता है वो सड़ सकती है, इसीलिए फेरना जरूरी है। एक ही जगह पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा माइंड फ्रेश के लिए घूमना भी जरूरी है। एक ही किताब पढ़ते 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 आप बोर हो जाएंगे, इसीलिए हिंदी गुजराती भी पढ़ना जरूरी है। एक ही खाना खाकर आप बोर हो जाएंगे, इसीलिए बाजार की कोई एक चीज कभी एक बार खानी जरूरी है। तो बच्चों ये कभी एक समय वही का वही समय नहीं रहता, समय परिवर्तनशील है, समय से बेहतरीन बड़ा और बड़ा मूल्यवान और कोई नहीं है, समय का सदुपयोग करें। तो दूसरा प्रश्न है, चक्की दो पाटों में, दो पाटों की चक्की के दो पाटों की क्या विशेषता है। चक्की एक माँ के समान है, माँ के दोनों बेटों की तरह है, पाट उसके दोनों बेटों की तरह है। पहले वाला घूमता फिरता रहता है, अगर एक बच्चा माँ का एक बेटा घूमता फिरता रहे और दूसरा बेटा एक ही जगह पर रहे तो वो भी बोर हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जलेगा पहले वाला जो ऊपर वाला घूमता रहता है, बड़े वाला घूमता रहेगा तो छोटे वाला जलेगा, उसे घूमने के लिए कह देती हो माँ, मुझे क्यों नहीं घूमने के लिए कहती, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, जनन ऐसा नहीं है। पाटों की विशेषता यह है कि दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, फिर भी दोनों में समानता है और दोनों एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भले ही ऊपर वाला घूमता रहे लेकिन नीचे वाला अपना काम बखूबी से निभाता है और दूसरा भी अपना काम बखूबी से निभाता है, दोनों के बीच का बंधन टूटता नहीं, कभी वे अलग नहीं हो पाते। इसलिए हमें भी कभी अलग नहीं रहना है, हम साथ मिलजुल कर एक ही परिवार के सदस्य बनकर रहेंगे तो परिवार और सुंदर लगेगा और परिवार में और खुशहाली आ जाएगी। तो बच्चों ये विशेषता थी। फिर लोटा क्या क्या करता है, देखो लोटा साधन है, एक सामान्य एक बासन है, यानी कि आप लोग बर्तन कहते हैं उसे, बासन उसे कहा जाता है। तो बर्तन के रूप में छोटा है परंतु पानी उसमें अधिक भरा जाता है और जब पीने के लिए आप लोटे को खोजते हैं तो लोटे में पानी लेकर आते हैं तो पानी पीते हैं तो प्यास बुझती है, भले ही वो छोटा है आकार में लेकिन प्यास बुझाने का काम करता है और सुंदर तरीके से मन को संतोष देता है, संतोष कर देता है, संतुष्टि देता है, मन की संतुष्टि। इसीलिए बच्चों यह बात यहाँ बताई गई है, लोटे की यह विशेषता है, भले ही छोटा है लेकिन पानी लाकर वो दूसरों को भी पिला सकते हैं, हम खुद भी पी सकते हैं, मन की प्यास बुझा सकते हैं और अच्छी तरह से पानी को रखा भी जा सकता है। तो यहाँ आपका 21वां पाठ यानी कि पहेलियां मुखरियां जो काव्य का प्रकार मुक्तक है वो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।